फिर साल से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान था। आज सुबह मेरा सर्जरी हुआ है और सर्जरी होने के बाद घंटे दो घंटे बाद लिक्विड और उसके बाद खाना, फिर मैं चलने फिरने घूमने भी लगा हूँ और मैं एक रूटीन पूरे काम काज करता हूँ। खाना वाना बराबर है, मेरी पहले की तकलीफ सारी खत्म हो गई है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम फूलचंद परिहार है। डेढ़ साल से इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान था और अभी पीएस टेस्ट कराया नए डॉक्टर है डॉक्टर चिराग ठक्कर और उन्होंने पीएस टेस्ट किया है। आज की जो रिपोर्ट वगैरह आएगी उसके बाद पता चलेगा डॉक्टर साहब कैसे लगते हैं। अभी ये पीएस टेस्ट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं कोई खाने पीने में कोई तकलीफ आई, खाना पीना बराबर किया और कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई। मेरा नाम फूलचंद परिहार है। डॉक्टर चिराग ठक्कर ने जैसे मेरा पीएस टेस्ट किया था उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद मेरे जो गैस्ट्रिक लेवल बहुत हाई था तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि भाई आप सर्जरी कराइए। आज सुबह मेरा सर्जरी हुआ है और सर्जरी होने के बाद घंटे दो घंटे बाद लिक्विड और उसके बाद खाना, फिर मैं चलने फिरने घूमने भी लगा हूँ। इतना कोई पेन वैन नहीं हो रहा है और रिलीफ है और कल मेरे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और मैं घर भी जा सकता हूँ। मेरा नाम फूलचंद परिहार है। मैंने 1 तारीख को ऑपरेशन करवाया था, उसके 2 दिन बाद एक दूसरे दिन छुट्टी दे दी थी। आज वापस में आया हूँ 3 तारीख को फॉलो बैक के लिए और उसके बाद मैंने पहले अरमा करा चुका हूँ जो मेरे फेल हो गया था। अब वापस उन डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने मेरा वापस ऑपरेशन वगैरह किया जिससे मेरे को आज रिलीफ है और उनके फॉलो बैक जो इन्होंने बोला वो मेडिसिन दी है उससे मेरे को लेनी है और बाकी रिलीफ है। चलता फिरता हूँ, खाना वाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बात मेरे से कुछ। मेरा नाम फूलचंद परिहार है और मेरे 3 महीने पहले सर्जरी हुई थी। आज वापस डॉक्टर साहब को चेक करा गया था चिराग ठक्कर को और उसके बाद मेरी कोई अभी कोई दवाई सारी बंद करवा दी उन्होंने। अब कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहा हूँ और मेरे को रिलीफ है और रूटीन काम जो भी है सारा मैं कर रहा हूँ। खाना पीना बराबर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ध्यान दिया सब कुछ। थैंक यू।